इधर वो आना तो ना प्रकार आप सभी लोग देख रहे हैं पिछले 25 सालों में सीपीएम क्या राज था त्रिपुरा में। सीपीएम के लोगों ने आतंक मचा रखा था। अब लगातार 5 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री बिप्लव देव जी की नेतृत्व में। मैं कहना चाहता हूं कि पूरे त्रिपुरा में आतंक मचाए हुए इनके गुंडे, इनके लोग लगातार मारपीट कर रहे हैं। उसके खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी का शांतिपूर्वक प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। हम लोग युवा कांग्रेस पद यात्रा निकाल रहे हैं, उसके बाद हम लोग रविंद्र भवन में कार्यक्रम करेंगे। क्या क्या आलोचना हुआ इस लगातार आप देख रहे हैं त्रिपुरा में मारपीट, हत्याएं, अत्याचार, लॉ एंड ऑर्डर पूरे तरह से एकदम धज्जी उड़ा हुआ है यहाँ पे। कल मुख्यमंत्री खुल करके विरोधी दलों को धमकियां दी जा रही है मुख्यमंत्री की ओर से। शर्म आना चाहिए मुख्यमंत्री जी को कि हमारे देश में लोकतंत्र का राज है, ये लोकतंत्र की जो हत्या ये लोग करना चाह रहे हैं ये कांग्रेस पार्टी होने नहीं देगी। कांग्रेस पार्टी सड़क से लेके सदन तक युवक कांग्रेस और युवक कांग्रेस के नेतृत्व पर, पूजन विश्वास जी के नेतृत्व में हम लोग आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। মিছিলের মাধ্যমে সারা রাজ্যে বিজেপি এবং সিপিএম এই দুটা পার্টি যেগুলো মানুষের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে তাদের প্রতি আমরা বার্তা দিতে চাই যে তাদেরকেও শক্ত হাতে মোকাবেলা করা হবে এবং যাতে মানুষকে, ত্রিপুরা রাজ্য মানুষকে অনেক শোষণ করেছে তারা দীর্ঘ 25 বছর এবং এই 5 বছর চলছে বিজেপির শাসন, মানুষ অনেক সহ্য করেছে এবং সামনে যখন বিধানসভা ইলেকশন হবে তাদের জবাব সঠিকভাবে মানুষ দেবে। এবং আমরা খুব দুর্ভাগ্যজনক যে আমরা আজকে একটা পত্রিকাতে দেখতে পেলাম যে মুখ্যমন্ত্রী সাহেব নাকি ধমকি দিয়েছে সবগুলো বিরোধী দলকে ডেকে নেওয়ার জন্য। এরকম উক্তি একজন মুখ্যমন্ত্রীর মতো চেয়ারে বসে পড়া ঠিক নয় এবং সেটা ত্রিপুরা রাজ্যবাসী ঠিকভাবে দেখছে না। তার জন্য আজকে আমরা ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে আমরা এই বিক্ষোভ র্যালি আমরা করছি এবং আমাদের পরে রবীন্দ্র ভবন গিয়ে আমাদের এখানে ইউথ কংগ্রেসের স্টেট লেভেল কনভেনশন রয়েছে, সেখানে আমরা আমাদের যারা কর্মী সংগঠন আছে অর্গানাইজেশনাল ম্যাটার্স আমাদের আলোচনা চলবে। कहते हैं कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, पर अगर जिंदगी में सफलता हासिल करनी है तो खुद का एक चेहरा, खुद की एक पहचान बनाना बहुत जरूरी है। तो अब जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए दिल्ली, मुंबई या कोटा जैसे शहरों में जाकर भीड़ का हिस्सा बनने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ आपको मिलेगा आपके अपने शहर में। सुपर 30 फेम श्री आनंद कुमार के मार्गदर्शन में पेश है i30 लर्निंग सेंटर, जहां आपको मिलेंगे हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी द्वारा फिजिकल क्लासेस, मेंटल डेवलपमेंट क्लासेस, लाइव क्लासेस और भी बहुत कुछ। सिर्फ 12th बोर्ड ही नहीं, हर कॉन्सेप्ट जड़ से मजबूत हो उसके लिए हम 8th, 9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए फाउंडेशन क्लासेस भी मुहैया करवाते हैं, जहाँ शुरू से ही उन्हें एक कॉम्पिटिटिव माहौल मिलेगा। कहते हैं कि वक्त किसी के लिए भी नहीं रुकता, ऐसे में हम कैसे रुक जाए। लॉकडाउन के इस मुश्किल समय में आपको डरने की या घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि i30 लर्निंग सेंटर आपको सुविधा देता है घर बैठे लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस की। अब आप जहां कहीं भी हो, हमारे ऐप के माध्यम से आपके हर समय अलग अलग विषयों की शेड्यूल्ड लाइव क्लासेस ले सकते हैं। इन क्लासेस में आपको इंडिया के टॉप मोस्ट फैकल्टी द्वारा चैप्टर बाय चैप्टर सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन देना हमारी जिम्मेदारी है। अपॉर्चुनिटीज किसी का भी इंतजार नहीं करती, तो आप क्यों कर रहे हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स और ईमेल आईडी पर कॉन्टैक्ट करें और अभी रजिस्टर करें फ्री लाइव क्लासेस के लिए।